बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, इयाका नाबुदु व इयाका नस्तईन। तो जी आज मैं आपको विज़िट करवा रही हूँ एक $1 शॉप का, और इतनी अच्छी यहाँ पे चीज़ें, सिर्फ 240 की, कोई भी चीज़ ना 240 से ऊपर नहीं है। तो मुझे ये यहाँ पे बहुत चीज़ें पसंद आई। मैंने ऑनलाइन कितनी चीज़ें बाय करनी थी, दराज ऑनलाइन में इतने गैजेट्स होते हैं और चीज़ें ऑर्गेनाइज़र होते हैं, अच्छे लग रहे होते हैं। तो ये देखिए बास्केट, ऑर्गेनाइज़र बास्केट कितनी अच्छी है 240 की। तो वो ना आम $1 शॉप से कुछ चीज़ें आपको मिल जाती हैं इंटरेस्टिंग, कभी नहीं भी मिलती। लेकिन इस शॉप पे मैं जब आई ना तो सारी चीज़ें बहुत अच्छी, और जो मैंने ऑनलाइन लेनी भी थी ना मुझे यहाँ से मिल गई। तो मैंने सोचा आपको इसका विज़िट करवा देती हूँ। अच्छा जी, पहले से मैं आपसे माजत करती हूँ, थोड़ा सा गला ख़राब है तो जो है इस वजह से थोड़ी सी आवाज़ ऐसी आएगी। रमज़ान आ रहा है ना, शरबत वगैरह पी भी लेना, इस गला ख़राब हो रहा है, और बच्चे बड़े, मौसम चेंज हो रहा है, सबकी तबीयत ख़राब। ये देखिए रैक है, ये चाहे दो पोर्शन का है, चाहे तो आप इसमें बच्चे की स्टेशनरी का सामान रख लें, कॉस्मेटिक रख लें, या वॉशरूम में भी लगा सकते हैं शैम्पू वगैरह जो है वो रखने के लिए। तो मैं आपको ना इस शॉप में जो जो आगे बढ़ते जा रही हूँ ना, एक ही चीज़ आपको दिखाऊँगी। तो यहाँ पर स्टीमर दिखाऊँगी मोमोज के लिए ना, क्योंकि और ये जो है ये आइस क्यूब है, रीयूजबल आइस क्यूब भी है यहाँ पे लगे हुए थे। तो मुझे तो अच्छी इसलिए लगी कि आपके अपने इलाकों में कितनी $1 शॉप होती है, हम लोग विज़िट भी करते हैं तो बहुत ही कम ऐसी शॉप होती है जहाँ पे एकदम से आपको अच्छी चीज़ मिल जाती है, फिर वो बाद में शॉप में मौजूद भी नहीं होती, एक ही दफ़ा आ गई होती है, फिर आप दोबारा विज़िट करते हैं कि मैं ले लेती या फिर एक और ले लेते हैं, तो फिर दोबारा विज़िट करें ना, कभी कभी वो चीज़ गायब होती है शॉप से। तो फिर मुझे तो ये, मैंने इस वैसे 3-4 जगहों पे गई हुई थी, मगर इसमें ना इस वाली शॉप पे, $1 शॉप पे एक एक चीज़ बहुत अच्छी थी जो ऑनलाइन नहीं मिलती है। देखिए स्टीमर 240 का है ये। स्टीमर की भी अपनी मतलब बड़ा भी होता है, इससे भी बड़ा होता है, मगर ये है कि ये इस साइज़ में आप इजीली मतलब सब्ज़ियाँ भी स्टीम कर सकती हैं, और ये देखिए अदरक लहसुन को ईज़िली आप क्रश कर सकती हैं इससे। ये भी मैंने ऑनलाइन पर देखा था, मुझे किसी इनसे मिल नज़र नहीं आया था, तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा। ये जो है वो अब आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा सा, और यहाँ पे स्टोरेज बॉक्स पड़े हुए हैं, एक 3-3 सेट है, 4 के हैं, 4 का भी मिलते हैं 240 के साइज़ के लिहाज से। अच्छा यहाँ मैं आई तो आप देखें 240 में आजकल मिलता क्या है, मैं पिछली भी बार भी कह रही थी कि यहाँ पे ना मतलब महंगाई इतनी हो गई है कि हमें 240 तो लग रहे थे ज़्यादा, मगर जो है वो छोटी छोटी चीज़ें, मगर यहाँ पे अब आप महंगी नहीं लगेगी, इतनी अच्छी इतनी प्यारी चीज़ें ना आपको लगेगा भाई ये 240 में तो बड़ी अच्छी सस्ती मिल रही है हमें। ये आर्टिफिशियल ग्रास आजकल इतनी चल रही है, उसके कारपेट छोटे छोटे से वो भी आपको 240 के मिल रहे हैं, और इनके इन्होंने इतने खूबसूरत जो है वो बनाए हुए हैं गमले से बनाए हुए हैं, तो ये भी बहुत ज़्यादा प्यारे, और ये जो पैटर्न्स मिल रही हैं आपको आर्टिफिशियल, ये भी 240 की। तो होम डेकोरेशन दिखा रही हूँ कि सिर्फ 240 में आपका घर भी इतना अच्छा सजाए। $1 शॉप में तो हर चीज़ मिल जाती है ना, मेकअप का सामान जो है ना उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको, मैं क्योंकि हर बंदे की अपनी मर्ज़ी होती है कि आप तो अच्छी भी चीज़ मिल जाए, अपना एक्सपीरियंस होता है। लेकिन मैं कहती हूँ कि वो स्किन प्रोडक्ट और जो होती है ना उसके मैं रिस्क नहीं ले सकती, तो यहाँ मैं चीज़ें तो देख रही थी मगर मैंने यहाँ बाय नहीं की, आगे इतना हम केयर नहीं करते अपनी स्किन वगैरह का ज़्यादा, तो ये चीज़ें लेके बर्बाद भी ना करें। बेशक 240 की मिल रही है, अच्छी भी होंगी, मगर मैंने कभी लिया भी नहीं इसी वजह से कि नहीं बस ठीक है ये, इसको प्रोडक्ट ये अपनी स्किन के लिए प्रोडक्ट ना आप अच्छा अच्छी और मियारी लें, अगर कोई फेक निकल आई तो फिर आपकी तो स्किन ही ख़राब हो जानी है, सेहत से बढ़ के कुछ नहीं। वो कहते हैं जान है तो जहान है। ये देखें कितने खूबसूरत लगे हुए हैं किचन की डेकोरेशंस के लिए, फ्रेम भी हैं, ये चेक करें कितना प्यारा है। अच्छा जी, और अब तो एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊँ कि आप स्लीपर्स बच्चों के $1 शॉप पे मिल रहे होते हैं, खुशे मिल रहे होते हैं 240 के। अब मैं इतने ज़्यादा मैंने विज़िट किए चीज़ों का मॉल्स वगैरह में, तो खुशों की प्राइस जो है वो 500 से स्टार्ट हो रही है, 700 की, 800 की, यहाँ $1 शॉप में कूसे लगे हुए हैं 240 के दे रहे हैं। मेकअप का सामान है, नेल्स हैं आपके,
और जो हेयर बीड्स हैं, पर्ल्स हैं हेयर पे लगाने के लिए, मतलब हेयर एक्सेसरीज भी ना अच्छी। अच्छा मैं एक बात बिलीव करती हूँ कि देखिए आप कोई भी हो, चाहे आप ड्रेस पहन रहे हो या जूती पहन रहे हो, ना आप को यही होता है कि चलो ले लिया, बाय कर लिया, एक दफ़ा पहन ली, दो बार पहन ली, अच्छा तीन चार बार भी इसको यूज़ करते थे, उसके बाद आपका दिल भर जाता, नहीं पहनने का दिल नहीं करता। तो मैं इसलिए ऐसा करती हूँ कि कोई अच्छी मुनासिब कीमत में ना अच्छी चीज़ भी मिल जाए, क्वालिटी भी हो मगर कीमत मुनासिब हो। महंगी आप जितनी महंगी ख़रीद लें, जो कहते हैं ना जूता भी, अगर 10,000 का चीज़ 40,000 का भी जूता आपने पहना है तो उसको पाँव में ही है ना, और दिल भर जाता है चीज़ों से जल्दी। आप कोई ड्रेस वगैरह भी लें तो ये अगर आप कम कीमत में ले लेते हैं ना कोई चीज़ें, तो आप एक दो दफ़ा भी यूज़ कर लेते हैं ना, उसके बाद वो नहीं भी पहनते तो आपको अफसोस नहीं होता कि ठीक है बस मैम ने इसको वसूल कर लिया इसकी अच्छी सी। अच्छा ये ग्लास रैक है मगर इनकी बड़ी हल्की सी प्लास्टिक थी जिसको मैंने वापस रख दिया। बच्चों की बहुत प्यारी खूबसूरत सी ना खाने की प्लेट्स वगैरह, वो भी मुख्तलिफ डिज़ाइनिंग में, ये रोटी के कपड़े में दिखा रही हूँ आपको एक पैक में तीन है, इनकी तो ज़रूरत पड़ती रहती है आप रूटीन में गंदे हो जाते हैं फ़ौरन, तो इसको तो आप ढेर सारा भी लेके रख लें तो अच्छा आसानी हो जाती है। ये ड्राई फ्रूट बास्केट है भैया बच्चों के, आप इसमें अलग से केचप के साथ बर्गर वगैरह रख दे, अच्छा पोषण बनी हुई है प्लेट में। तो यहाँ ना मैं मेकअप वगैरह का साथ जो सामान है ना वो जब मैं देखने लगी तो लेना तो नहीं था, मगर यहाँ मुझे ना जो नेल पॉलिश है उनकी थोड़ी क्वालिटी ना बेहतर लगी कि भाई अच्छी लग रही है देख के न्यू सी। बच्चों के स्टिचिंग का सामान दिखाती हूँ, क्रियोन कलर है, पोस्टर कलर्स हैं, पेंसिल्स कलर हैं, और आप लोगों ने ज़रूर बच्चों की जो है ना वो ये चीज़ें बाई की होंगी तो अच्छी महंगी भी मिलती। अब तो बच्चों की स्टेशनरी बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है, नई क्लासेस अब तो आज क्या है मार्च है, कितने बच्चों की नया सेशन स्टार्ट भी हो चुका है और छुट्टियाँ हो गई, ईद के बाद से दोबारा उनकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, और कुछ बच्चों के अभी एनुअल एग्ज़ाम कंप्लीट हुए हैं तो उन्हें छुट्टियाँ होगी और ईद के बाद उनकी नया रिजल्ट के बाद उनकी नई सेशन स्टार्ट होगा। अच्छा ये देखिए ये 3+ एज के लिए बुक है, ये मुझे इतनी प्यारी लगी, वैसे बच्चों के लिए होती हैं बुक तो मैंने कहीं अंदर ओपन करके देखो है क्या, तो छोटे छोटे से कार्ड्स हैं अलिबा लिखा हुआ, उसके पीछे ट्रेसिंग भी आप कर सकते हैं, और ट्रेसिंग के लिए जो है वो मार्कर जो है ना वो पेन अलग से दिया हुआ, रेजर भी, और बाद में आप रेज भी मतलब दोबारा इसको यूज़ कर सकते हैं, ट्रेसिंग कर ली गलत होगी दोबारा रेज करके दोबारा लिख लें। तो मैथ्स की थी बहुत इंटरेस्टिंग बच्चों के लिए तो बहुत, आप ये 250 रुपये की 240 रुपये की क्या होती है, 3-4 उठा के ले आपके बच्चों के घर में बड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। अलिबा एनिमल्स वेजिटेबल्स सब इसमें ना यहाँ पे है, और स्टेशनरी का सामान तो इतना अच्छा है, बच्चों के खेलने के लिए डो लेनी है आपने और कलर्स वगैरह लेने हैं, इससे बच्चों की बच्चे क्रिएटिविटी बड़ी अच्छी होती है, अगर आप ना ये चीज़ें ले के रखे हैं बच्चों को प्रैक्टिस वगैरह भी करवाएं, दे दिया पेंसिल और कलर्स और वो करते रहे कि अपनी मतलब बिजी भी रहते हैं बच्चे ना इन चीज़ों में, मुझे लगता है बिजी रखना चाहिए बच्चों, कलरिंग में लगा दिया डो और क्ले से जो है वो चीज़ें बनाते रहे। यहाँ जो है वो बर्थडे का सामान एंड डेकोरेशन का हर चीज़ यहाँ पर मिलेगी 240 में, इतनी स्नो और आपको स्पाइडरमैन में चाहिए किसी भी थीम में चाहिए ना, अच्छा लगा हुआ था यहाँ पे सामान बर्थडे डेकोरेशन का। शॉल के लिए मैं देख रही थी हेयर क्लिप्स, और बच्चियों की तो इतनी अच्छी चीज़ें होती हैं कि बंदा क्या के ये भी ले ले वो भी ले ले, अच्छा यहाँ पे परफ्यूम भी लगे हुए थे और रूम स्प्रे भी, तो वो जो है वो आप ले सकते हैं, स्टड है यहाँ पे, इनकी क्वालिटी भी बस ठीक थी 240 में जो है ना, उस लिहाज से बस आपने पहननी है तो आपका जो है वो अच्छा हो जाएगा, इतनी मतलब बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी के नहीं थे, मगर ये है कि चलिए आम डेली यूज़ के लिए अगर आप शलवार कमीज पहनते हैं तो आप बाय कर सकते हैं, काम चला सकते हैं इनसे। ये कैचेस का बॉक्स, पोनीज, ये तो बच्चियों के लिए तो पोनी लगाते हैं इतनी घुमाते हैं ना, 3-4 बंदा ले कर रख ले आसानी हो जाएगी। अब आते हैं ज्वेलरी की तरफ, टॉप्स में देख रही थी तो ये देखिए ये सबसे प्यारे हैं, ये अच्छे लग रहे हैं मुझे रेड कलर के ना, ये चेक करें 240 के। अच्छा अब मैं बताऊँ ये आप यहाँ से ज्वेलरी भी ले लें, मैं तो कहती हूँ कि मॉडर्न वाले शॉप से इजीली, अगर आपने लॉन के ड्रेसेस वगैरह लिए ना सिंपल आने जाने के लिए या घर में पहनने के लिए
और तो उसके साथ आप ये इजीली कैरी कर सकती हैं मैचिंग के। यहाँ से बैंगल्स जो हैं वो यहाँ पे बड़ों की भी थी, बच्चों की भी थी, हर साइज़ में थी। और ये नहीं कि डिफरेंट प्राइस, इनकी भी बैंगल्स की प्राइस भी 240 में थी। और बच्चियों के लिए मैं जब बल्कि देख रही थी, मैंने कहा कि ईद आने वाली है तो चलो बच्चों को ना कुछ दे देते हैं गिफ्ट्स वगैरह उनके लिए पैक करने के लिए। तो बैग्स भी यहाँ पे लगे हुए थे उनके जो है वो बड़े प्यारे खूबसूरत बॉयज़ के भी। ये चेक करें, ये इनकी क्वालिटी अच्छी थी, मैंने इनको चेक किया हाथ लगा के ना, तो ये बहुत अच्छी इनकी क्वालिटी थी। ये देखिए हर कार्टून करेक्टर में भी थे, नीचे पेंटन का बड़ा हुआ है। और बच्चियों के भी यहाँ पे ना लगे हुए थे बड़ों की। ये एक झुमके आ गए हैं यहाँ पे, ये देखे लॉकेट भी है साथ में। और ये ब्रोच तो मुझे बड़ा प्यारा सा लगा इनका, वाह यार ये तो बड़ा अच्छा सा लग रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप इन जगहों पे जाए ना तो आपको बहुत अच्छी चीज़ मिल जाती है, आप कहते हैं वाह ये तो हम लोगों को, क्योंकि अक्सर मार्केट वगैरह में फिरो ना तो वो वहाँ पर बड़ी एक्सपेंसिव ये चीज़ें हो रही होती हैं। तो देखिए झुमके कितने अच्छे हैं, सिल्वर गोल्डन और पर्स भी लगे हुए हैं, आपने कलर की मैचिंग हिसाब से लेने हैं। तो बच्चों के सिपी कप हैं और करेक्टर वाले भी हैं, सिंपल में भी हैं। अगर मैं तो यहाँ पे रुकी, मैंने कहा चले इशाल को मैंने दिलाने थी उसकी, ये देखें ये बेल्ट दे चेक करें आप, दराज उन्हें भी मैंने देखी थी तो ये मुझे 240 की मिली। मैंने इसमें तो एक उठा ली, मैंने कहा ये अच्छी है, ये बंदा बेल्ट काम आती है आपकी, स्ट्रेचेबल बेल्ट है इसकी ये ना। तो ये मुझे सबसे मैंने तो फ़ौरन ली, क्योंकि ये मुझे कहीं से भी नहीं मिलेगी, मैंने कहा मुझे ऑनलाइन ही मंगानी पड़ेगी या वो ढूंढनी पड़ेगी। तो मैंने इशाल को दिलाने आई थी, उसने बच्चों के ना खिलौने वगैरह हर टाइम चाहिए होते हैं, और जब भी बाहर निकलते हैं या उनको चीज़ चाहिए होती है या उनको टॉय चाहिए होते हैं। बॉयज़ के लिए लॉकेट है, ये देख रहे हैं आप गिटार में बने हुए हैं, और अच्छा फंकी टाइम सा लगता है ना, बच्चे को पैंट शर्ट पहना दी, ऊपर कैप पहनाई और ये लॉकेट आपने पहना दिया, रॉकेट बना हुआ है और बड़े अच्छे और खूबसूरत यहाँ पे ना लगे हुए ना बच्चों के लॉकेट्स बॉयज़ के लिए। तो बहरहाल मैं कह रही थी कि वो बच्चों को ना हर हर फेरे में जब भी बाहर निकलो तो चीज़ भी चाहिए होती है, या तो उन्होंने कहते हैं कि हमें गिफ्ट दिलाओ। तो यहाँ पे मैं इतनी ज़्यादा जितना भी महंगा आप बच्चों के लिए टॉयज़ ले लेना, उन्होंने ख़राब ही करना होता है। तो वो हर बाहर जब भी बाहर निकलते तो मैं यहाँ पर $1 शॉप आ जाती हूँ और उनकी पसंद का ना कुछ भी दिला देती हूँ, मतलब कोई भी टॉय दिला देती हूँ। और फिर जब एक दो खेल में तोड़ भी देते हैं या वो ख़राब भी हो जाते हैं तो अफसोस नहीं होता कि ठीक है चलो उन्होंने खेल वसूल कर लिया, आप कीमत वसूल हो गई, बरत लिया। एक कहते हैं ना चीज़ों को बरतना, मुझे सबसे ज़्यादा ये होता है कि आप कितनी भी अच्छी और महंगी भी चीज़ लें तो मगर ये है कि आप चीज़ों को बरत लें। अब ये देखें जूली बॉक्स कितना प्यारा और खूबसूरत है। तो बरतने की बात मैं इसलिए कर रही हूँ कि अगर आपने कोई अच्छी चीज़ ले ली है और बाद में उसको सेंध सेंध के रखते हैं, कभी संभाल संभाल के ख़ुद भी यूज़ नहीं कर रहे और हालांकि आपके काम की है कि नहीं, तो वो अभी एक मेरे साथ तो एक दो दफ़ा ऐसा हुआ है कि कोई चीज़ मैंने बड़ी संभाल के रखी है, काफ़ी टाइम बाद वो निकाली है ना, जो जिस टाइम निकाली उसी टाइम वो टूट गई, तो मुझे इतना अफसोस होता था। तो बच्चों की चीज़ें भी मैं अगर लेती हूँ ना तो मुझे ये होता है कि वो खेल खेल के उसको वसूल कर लें, पैसा ऐसे वसूल हो जाता है बंदे का। और अगर कोई चीज़ ऐसी है जिससे उनका दिल भर गया नहीं खेले तो आप किसी और को दे देना, वो उससे खेल ले, या चाहे वो कपड़े हैं आपके, चाहे वो आपके टॉयज़ हैं, चाहे वो आपकी कोई भी यूज़ करने की चीज़ है। अगर आप नहीं यूज़ कर रहे, अगर आपके काम में नहीं आ रही तो आप किसी और को दे दें ताकि वो किसी और के काम आ जाए। बरतना जो है ना चीज़ बरत ली जाए, ऐसा क्या कि आप सेंध सेंध के रखें ना, आपके काम आए ना दूसरे के काम आए। तो ये मैं इसलिए ना हम लोग शॉपिंग भी इसलिए करते हैं कि मुनासिब चीज़ में कि ज़्यादा पैसे, क्योंकि ज़्यादा पैसे की चीज़ आप कोई ले भी लेते हैं ना तो आप एक दो दफ़ा बस पहन लिया और एक दो दफ़ा यूज़ कर लिया, उसके बाद आपको अब नई चीज़ लेने का दिल कर रहा होता है, तो इसलिए फिर हमें अफसोस भी होता है कि इतना महंगा लिया और इसको इतना यूज़ भी नहीं किया या हमारा दिल जल्दी भर गया। तो मुनासिब कीमत में कोई चीज़ मिल जाना, खेल के फारिग कर ले या कोई कपड़ा वगैरह ड्रेस वगैरह पहन के फारिग कर ले एक दो, हमें फिर घर में भी पहन लिया। और आपको पता है मिडिल क्लास लोग तो हर चीज़ की बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं उसको रेड मार देते हैं, अगर टूथब्रश होगा तो अच्छा सा यूज़ कर लिया तो उसके बाद उससे हर घर की चीज़ साफ़ हो रही है, टॉवल जो है वो अच्छे से यूज़ कर लिया, वो जब फारिग हो गया तो उसका मूव बना के पूरे घर में लगा रहे हैं, शर्ट जो है वो उसको यूज़ कर लिया बदरंगी हो गई है तो वो उसको डस्टिंग का कपड़ा बना लिया। तो हम लोग हर चीज़ को बड़ा एंड टाइम तक ना यूज़ करते हैं, हाँ मिडिल क्लास लोग। तो ये तो फिर इसलिए मैं मुझे भी होता है कि भाई चीज़ें जो है वो बरत ली जाए तो बेहतर है, रखी रखी ना रह जाए। मैं कभी इन दिनों ईद पे फिरी हूँ
ब्रांड्स की शॉप में, तो मैं कहती हूँ कि भाई 30-30 हज़ार के, 40-40 हज़ार के ड्रेसेस पहनना, तो हमने इसको चलो एक दफ़ा, दो दफ़ा, तीन दफ़ा, तो हम पूरा तो नहीं, मतलब इतने सालों तक तो नहीं पहन सकते, तो क्या फ़ायदा फिर इतना लेने का। आप थोड़े सस्ते कपड़े पहन लें, एक दो दफ़ा अच्छी जगह पर पहन लें, या फिर बाद में घर में भी पहन लें तो आपको बुरा ना लगे। तो जी शाल की टेबल टूट गई थी यहाँ पर घर में, और उसको इतना उठा कि मुझे लेनी है लेनी है, तो मैंने कहा ये आप इस पे नहीं बैठ सकती कि किसी को थोड़ी सी हल्की सी प्लास्टिक की बैट हो टूटने दोबारा जाए, मगर उनको भाई कार्टून करेक्टर में चाहिए थी तो उन्होंने ले ली। फिर ये दूसरी साथ भी एक और वन डॉलर शॉप थी, यहाँ पे भी मुझे बस थोड़ी सी चीज़ें नज़र आई, मैंने कहा चलो देख लेते हैं इसको भी। तो बस अब इस यहाँ पे जो शाल को मुझे स्टूल मिला था, क्योंकि साथ वाली शॉप से मुझे स्टूल नहीं मिल रहे थे इस तरह करेक्टर में, सिंपल में मिल रहे थे, मगर बच्चों को तो कार्टून करेक्टर में चाहिए होते हैं। तो फिर मैं यहाँ पर आई, यहाँ पे भी सेम चीज़ें लगी हुई थी, मगर उस वाली शॉप है ना जो किचन की एसेसरीज थी और डेकोरेशन की एसेसरीज थी, वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी हुई थी। तो जी उम्मीद करती हूँ मेरा छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा, चीज़ें देखिए आपको कितनी अच्छी प्यारी खूबसूरत है, लॉकेट चेक करें। अगर वीडियो मेरी पसंद आए तो चैनल को मेरे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है, और अपने दुआओं में याद रखना है। मैं थोड़ी सी कहीं भी शॉपिंग कर रही हूँ ना आजकल, भी कहीं से आ रही थी, मतलब किसी मॉल से मैं वापस आ रही थी, तो मैंने कहा चलो रुक के यहाँ पे बच्चों के लिए चीज़ें ले लेते हैं, और मैंने ली भी ज्वेलरी बॉक्स वगैरह ना, बड़े प्यारे और ख़ूबसूरत है यहाँ पे भाई, 240 में क्या मिलता है, तो फिर बंदा आया बच्चों के लिए, ख़ुद की भी कोई चीज़ पसंद आई तो बंदा उठा लेता। तो फिर मैंने छोटी सी वीडियो बनाई। अब अच्छा मैं आपको बताऊँ, आप लोग अक्सर मेरे ब्लॉग में मुझे बार बार कह रहे थे कि प्राइस बता दें, जगह बता दें, ये जगह जो ये मैं आई हूँ ना, जगह बता दूँ आपको, सॉरी मैं, जगह है अड्याला रोड पे, अड्याला रोड पे है वन डॉलर शॉप ये ना, और बहुत अच्छी है। आप अगर नहीं है ना, इतनी दूर नहीं आ भी सकते, तो अपने घर के करीब की वन डॉलर शॉप में विज़िट करेंगे ना, तो एक नहीं, दो नहीं, तीन, किसी तीसरी में जाकर विज़िट करेंगे, तो आपको अपने मतलब की चीज़ ना मिल जाएगी, और अच्छी क्वालिटी की होती है। पहले हम लोग जो पहले बहुत अर्सा पहले जो 20-20 की सेल लगती थी, या 50-50 की सेल लग रही होती थी ना, तो उसमें भी हमें कभी थोड़ी बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाती थी, मगर कुछ की क्वालिटी ज़रा बहुत ज़्यादा लो होती थी, मगर यहाँ पे वन डॉलर शॉप है ना, बड़ी अच्छी क्वालिटी, फ्रेम आपने करवाना है किसी का, सर्टिफिकेट वगैरह या पिक्चर्स वगैरह लगवानी है, तो आप यहाँ से ईज़िली बाय कर सकते हैं। तो अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।